नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में दर्जनों व्रत त्योहार होते हैं। इनमें से अगर कहा जाए कि सबसे कठिन त्योहार कौन सा है तो अपने बिहार के ही कुछ बेहद खास महत्व रखने वाले व्रतों के नाम आते हैं, जिसमें सबसे कठिन 36 घंटों तक निर्जला रहने वाला छठ व्रत आता है। तो वही अश्विन महीने में आने वाला जितिया व्रत भी ऐसा है जिसे भी काफी मुश्किल माना जाता है। जितिया व्रत का दूसरा नाम जीवित पुत्रिका भी है। नाम से ही इस व्रत का उद्देश्य साफ हो जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाएं अपनी संतानों के लंबे उम्र के लिए रखती हैं। जितिया का त्योहार को खास करके बिहार से सटे कुछ ही क्षेत्रों में मनाया जाने की परंपरा है। बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं इस पवित्र व्रत को करती हैं। तो वहीं जितिया को नेपाल के मिथिला और थरहोट के लोग भी करते हैं। 3 दिनों तक मनाए जाने वाले जितिया नहाई खाए से शुरू होता है और दूसरे दिन व्रत के बाद पारण पर समाप्त होता है। महिलाओं के लिए इस बार व्रत और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि अष्टमी की तारीख नहाई खाए वाले दिन शाम से ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस बार नहाई खाए कब से कब तक रहेगा, अष्टमी की तिथि यानी कि निर्जला उपवास का समय कब से कब तक रहने वाला है और पारण कब किया जाना है। जीवित पुत्रिका व्रत हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस बार जितिया 28 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर को पूरा हो जाएगा। 28 सितंबर मंगलवार को जितिया का नहाय खाय है। इसके अगले दिन 29 सितंबर बुधवार को कठोर निर्जला उपवास किया जाता है। वहीं 30 सितंबर गुरुवार को पारण किया जाएगा। जितिया का व्रत अष्टमी लगने से ही शुरू हो जाता है। इस बार अष्टमी की तारीख नहाए खाए वाले दिन ही शाम के 6:16 से शुरू हो जाएगी और यह 29 सितंबर बुधवार की रात 8:29 तक रहने वाली है। इसलिए इस बार इस व्रत को मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर अष्टमी की तारीख किसी भी वक्त खत्म हो, लेकिन महिलाएं शाम में व्रत ना खोलकर अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण करती हैं। ऐसे में 24 घंटे से ज्यादा समय तक व्रतियों को बिना खाए पिए रहना पड़ सकता है। ये है व्रत के नियम और इन चीजों का रखें खास ख्याल। नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं पवित्र जल से स्नान करने के बाद ही सादा और सात्विक खाना बनाती है और उनका ही सेवन करती है। अष्टमी के सूर्योदय से पहले ओठगन भी किया जाता है और पान और दही खाने की भी परंपरा है। सूर्योदय से पहले ही यानी कि अष्टमी से पहले महिलाएं पानी पी लें, उसके बाद जल ग्रहण करना वर्जित है। सूर्योदय से पहले ही यानी कि अष्टमी से पहले महिलाएं पानी पी लें, क्योंकि उसके बाद जल को ग्रहण करना वर्जित है। व्रत वाले दिन बिना कुछ खाए पिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है और चील सियार की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। साथ ही संतान के सुख, उसके लंबे जीवन की कामना की जाती है। प्रसाद के रूप में खीरा और भीगे केराव को चढ़ाया जाता है। पारण वाले दिन इस प्रसाद को ग्रहण करके ही व्रत को पूरा किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि बीमार महिला अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें ज्यादा देर तक जबरदस्ती प्यासे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यथाशक्ति तथा भक्ति होनी चाहिए। इस व्रत से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जिसे भी हम आपको बताते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में किए जाने वाले पूजा पाठों में मांसाहार भोजन वर्जित माना जाता है, लेकिन जितिया की शुरुआत अपने बिहार में कई जगहों पर मछली खाकर की जाती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक चिल और सियार के व्रत प्रक्रिया से इसे जोड़कर देखा जाता है। नहाए खाए वाले दिन मड़ुआ के आटे की रोटी और नोनिया के साग को खाया जाता है। तो वहीं व्रत के पारण के बाद लाल धागे में पिरोया हुआ जितिया का लॉकेट महिलाएं धारण करती हैं। पूजा वाले दिन सरसों और खल्ली भी चढ़ाने की परंपरा है, जिसके तेल को महिलाएं अपनी संतान के सर पर लगा देती हैं। तो यह थी अपने बिहार से जुड़े इस खास पर्व जितिया 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आपके यहाँ जितिया के क्या क्या नियम किए जाते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।